केंद्र सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा रही है कि वो अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए वित्तीय संस्थानों को तबाह करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह की अध्यक्षता में किए गए प्रदर्शन के दौरान जिला के कई कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता ने जोरदार नारेबाजी करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऊना ब्रांच के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चहेते कारोबारियों के लिए नियमों को ताक पर रखकर सरकारी धन लुटाया है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता के खून पसीने की कमाई को अपने चहेतों पर लुटा रही है, जबकि देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा है कि एक एक करके मोदी जो सरकार है वो सारे देश की जो है संपत्तियां हैं बेच रही है और अपने चहेतों को रेवड़ियां बांट रही है। जो आम जनता का पैसा है वो मोदी सरकार अपने जो उनके खास चहेते हैं उनको सभी कायदे कानून ताक के ऊपर रखकर उनको फायदा दे रही है और उसी के तहत मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने बहुत ही चहेते अडानी ग्रुप को जो है उसमें इन्वेस्ट करवाया जबरदस्ती। और ऐसे ही LIC का 32,000 करोड़ रुपया मोदी के कहने के ऊपर मोदी सरकार के कहने के ऊपर जबरदस्ती जो है LIC का जो पैसा है वो भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया। और आज अडानी ग्रुप जो है वो बैंक कगाली के कगार पर के ऊपर है। आप देख रहे हो हर दिन लगभग 25% जो है उनके जो शेयर मार्केट के वो अडानी ग्रुप के गिर रहे हैं। और ये पैसा किसका है? ये पैसा जो है आम जनता का है और अडानी के जो शेयर हैं वो 50% से ऊपर जो है इस वक्त तक गिर चुके हैं। और SBI का पैसा, LIC का पैसा, ये पैसा किसका है? आम जनता का पैसा है, हमारा पैसा है। आज हम उसका विरोध करते हैं और ये विरोध जो है आज तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के आगे कर रहे हैं और आने वाले समय में ये विरोध जो है सड़कों के ऊपर पहुंचेगा और हम इसके लिए चक्के भी जाम करेंगे।